आ जाना स्टेशन, वॉट्स का ही है और साथ में आपका वो फोन्स, क्वेश्चन भी होंगे हमारे, तो सेशन शुरू किया जाए। देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ चल रहा था, वो क्वेश्चन नंबर वन पे थे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन से प्रोसीड करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर टू हम लोग कर रहे थे, देखें जरा ध्यान से। गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम। चलिए सेशन शुरू हो चुका है और क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर टू हम लोग निकल किया था, याद होगा आपका, सही है सर। बैंक यू का भी टेस्ट जाएगा क्या गुरु कुमार? नहीं गुरु जी, बैंक यू का टेस्ट नहीं जाएगा, अभी फिलहाल एसएससी का टेस्ट है और इसमें वर्क करना है, ठीक है। चलिए जय महाकाल और आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बड़े हम लोग आगे बेहतर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर टू था, कल हमारा क्वेश्चन था एक्विजिशन ऑफ, ये हमने क्वेश्चन देखा था, याद करें आप, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स कैन बी फैसिलिटेटेड फ्रॉम, इस फ्रॉम को हमने क्या कहा था कि इसे आप क्या करो कि फ्रॉम की जगह या तो बाय लो या थ्रू लो, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, फ्रॉम नहीं ये बाय ले, माध्यम के लिए आप बेहतर होगा सर। वर्ब का रूल कराइएगा, हाँ तानवीर वर्ब का रूल होगा, वर्ब में बहुत कम रूल है, वर्ब में देखो वर्ब जो है ना आपका वर्ब का वो क्या बच्चा होना चाहिए, वर्ब के लिए वो क्या बच्चा होना चाहिए, वर्ब ज्यादा से ज्यादा उसका फॉर्म समझे, ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन करा दीजिए प्लीज सर। तो मैया जी ये पीडीएफ जो है ना आपको जो मिला है किसी भी बुक का, लेकिन आप इसको ग्रहण कर लो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, कहीं से भी आपको ग्रहण करना है, पीडीएफ बनाया गया। चलिए नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, ये लगे फैसिलिटेटेड बाय या थ्रू, क्यों मैंने दिया है, रीजन है माध्यम के लिए, ठीक है, फ्रॉम नहीं, ये नंबर सही, कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, यस ये नंबर सही है, ये लगे फ्रॉम नहीं देना है, आपको देना है बाय, देखेंगे हम लोग आज टेस्ट डिस्कशन में, देखेंगे सर। वन का पीडीएफ रेट क्या, रेट ओ रेट कोई कुछ नहीं है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका क्वेश्चन थर्ड है उसको देखें, क्या लिखा क्वेश्चन, तेईस देखेंगे जो चल रहा है, फिर हम लोग फोन पे जाएंगे, ये लिखा इन आवर कंट्री वीमेन हैव अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, टू राइज टू टॉप इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इन आवर कंट्री सही है, लेट हो गया सर, लेट नहीं है, सही टाइम पे, लेकिन इन आवर कंट्री वीमेन हैव अपॉर्चुनिटीज, ये तो सही है, आपको पता है पहले से कि अगर हमारा हैज हैव हैड हो, अगर हमारा हैज हैव या हैड हो तो ये आपका मेन वर्ब भी बनता है, बताया था हमने ये मेन वर्ब बनता है और मेन वर्ब बनेगा, ठीक है। क्या लिखा लास्ट वाला वीडियो नहीं पढ़ा है, क्वालिटी लो हो गई दिखाई नहीं दे रहा है सर, क्वालिटी लो हो गई, इसकी क्वालिटी लो हो गई दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप लोग बताना दिखाई दे रहा है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, लो अब दिखेगा जरूर, ये मेरे भाई लोग कितना बड़ा दिखना चाहते हो, इससे भी बड़ा चाहिए, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, देख लो इसे भी ज़्यादा चाहिए, सब ठीक है, तो चलो अब इससे बड़ा नहीं चाहिए ना, कितना में काम चल जाएगा, देख लो अभी लोग देखना कितने में काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, बारिश के मौसम है सर, अच्छा दिल्ली में आपको बारिश का मौसम होगा, यस दिल्ली में सुनना की बारिश है अभी, तो देख लो भाई ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड ऐसे दिख रहा होगा अच्छी तरह से, चलिए आगे बढ़े, सब ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, देखेंगे हम, क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन दिया है कि वी मैम हैव अपॉर्चुनिटीज, मेरा ये कहना है कि अगर हैज हैव हैड, ठीक है, हैज हैव और हैड ये आपका क्या होता है मेन वर्ब भी होता है, ठीक है, पोजेशन के लिए, इसको हम पोजेस के रूप में यूज करते हैं, इसका आप बोल सकते हो कि इसका आपका, ठीक है, इसका जो सिनोनिम होगा क्या पोजेस होगा, ठीक है, पोजेस आपका बीमार है, जैसे ये बीमार होता है, या ये लग गया पोजेस, या ये लग गया पोजेस्ड, या आपका ओडब्ल्यू एंड ऑन, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, तभी मेन वर्ब होगा, समझे, ध्यान समझेंगे, ये अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ लो कि ये इसका मेन वर्ब रूप में हो, अगर इसके बाद, ठीक है, अगर इसके बाद आपका क्या हो जाए, अगर इसके बाद बी थ्री आ जाए, या आपको पता है कि बीन के बाद बीन हो जाए, उसके बाद फिर क्या हो जाए, बी थ्री हो जाए पैसिव, या बीन के बाद अगर पी फोर हो जाए, बीन के बाद पी फोर हो जाए, ये यूज करते हैं इसका, तो उस वक्त ये हेल्पिंग करोगा, ठीक है, उस समय हेल्पिंग करोगा, तो ये आपको पता है कि हैज हैड के बाद सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं, देखो ये नाउन है, अपॉर्चुनिटीज क्या, नाउन है, ये सही स्टेटमेंट, ये अपॉर्चुनिटीज दिया है वो सही है, क्योंकि आपको चार ऑप्शन दिया है, ध्यान समझेंगे, ये आपका पांच ऑप्शन वाला बैंक क्वेश्चन है, ये आपका हैव 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 हैविंग, यानी यहीं से आपको सही करना है, सही कहां तक करना है, अपॉर्चुनिटीज का, ठीक है, उसके आगे भी दिया है राइज टू तक, ये भी देखना है, तो देखते हैं कि हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज, देखिए ये आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए, ठीक है, तो ये आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, समझे, तो टू राइज टू टॉप, ठीक है, ये दिया राइज टू टॉप, रेज टू टॉप, दो वर्ड है आपका, आपको मैंने बताया था कि अगर आप स्वयं बढ़ते हो, ठीक है, स्वयं बढ़ना है या स्वयं बढ़ना हो या स्वतः बढ़ना है, ये दो सेंस रहना, तो हम यूज करते हैं राइज, ठीक है, अगर आपको लिखना है कि स्वयं या स्वतः तो राइज और दूसरे के द्वारा बढ़ाया जाता है, दूसरे के द्वारा सही किसी और के द्वारा, तो हम यूज करते हैं रेज, दूसरे के द्वारा हो तो रेज, स्वयं हो तो सही ना, ये याद रखिएगा, स्वयं हो तो राइज, ये याद रखेंगे आप, ये अगर दूसरे के द्वारा हो तो यूज करते हैं हम लोग क्या, रेज, अगर अपने हो स्वयं अगर हो तब यूज करते हैं राइज, इन्हीं को तकलीफ है इसमें बता दें आप, इन्हीं को तकलीफ है बराबर बता दें, ये मैंने बता दिया था पहले भी, कि रेज हम यूज करते हैं किसके लिए, जब दूसरे के द्वारा होता है और राइज होता है स्वयं, जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपको बीजेपी के बेहतरीन नेता है, ठीक है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ जो थे वो अपने आप में बड़ा फिगर है, वो मतलब फोर टाइम सही ना, फोर टाइम्स ऑलरेडी एमपी रहे थे, तो एमपी रहे फोर टाइम्स, तो ये अपने आप में क्या हुआ, एक कद ऊंचा कर दिया, स्टेचर ऊंचा कर दिया, और वही फोर टाइम एमपी हो, उसके वजह से क्या हुआ, ही रोज टू पावर इन यूपी, ही रोज टू पावर, वो स्वयं बने यूपी में, लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि द बीजेपी पार्टी हैज रेज्ड योगी आदित्यनाथ टू पावर, ठीक है, तो बीजेपी पार्टी रेज्ड टू पावर, सही ना, द बीजेपी पार्टी हैज रेज्ड योगी आदित्यनाथ टू पावर, तो ये वाली पार्टी उसको आगे बढ़ा दिया, लेकिन उनका अपना भी तो कद ऊंचा था, फोर टाइम एमपी थे, तो योगी आदित्यनाथ बीइंग फोर टाइम एमपी रोज टू पावर इन यूपी, समझे, याद रखिएगा, ये बात समझ आई क्या बोला मैंने, ये बात सबको समझ आ गई, ये बात समझ आई कि नहीं, कि अगर व्यक्ति अपने कैलिबर की वजह से, अपने कद की वजह से, अपने करिश्मा की वजह से, करिश्मा, ठीक है, हिंदी में भी दोनों वर्ड होता है करिश्मा, उसकी वजह से आपको अगर आगे बढ़े तो हो गया स्वयं के लिए रोज टू, ठीक है, और अगर किसी और के द्वारा तो रेज टू, अब देखिए कि विमेन जो है अपने, सही ना, अपने कैलिबर की वजह से, जो विमेन है हमारा वो अपने कैलिबर की वजह से सी रोज टू पावर आज के डेट में हो रही है, सही है, ये आपका स्टेटमेंट सही है, हैव अपॉर्चुनिटी टू राइज टू टॉप, सही है, तो ये आपका एकदम स्पष्ट रूप से सही है, कोई गलती नहीं इसमें, अगर किसी और के द्वारा आगे बढ़ाया जाता तब हम लिखते क्या रेज, जैसे द गवर्नमेंट, अगले इसी स्टेटमेंट को तोड़ते हैं, द गवर्नमेंट हैज गिवन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है तो भी यूज कर सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज रेज्ड, द गवर्नमेंट हैज रेज्ड विमेन इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री, द गवर्नमेंट हैज रेज्ड, समझे, हैज रेज्ड एवरी, देखिए हैज रेज्ड विमेन इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री, ये आपका याद रखने का सेंस है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये हमें नहीं दिख रहा है, नंबर बी, अब दिखाई दे रहा है, नंबर बी कैसे देख लो, समझ लो, नंबर बी दिख रहा है किस, देख लो, अब चलते हैं ऑप्शंस पे, देखिए क्या लिखा है, ये नंबर हैव बीन हैविंग, ये आप याद रखेंगे कि हैज हैव हैड अपने आप में पोजीशन होता है, हैज हैव हैड अपने आप में पोजीशन होता है, इसके बाद हैविंग देने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हैविंग देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन अपने आप में खत्म हो गया, ठीक है, अगला आपका दिया कि हैव हैड अपॉर्चुनिटीज, देखिए अगर हैव के बाद, अगर हैव के बाद ये हैड है ये बी3 हो गया, यानी पहले था, इस सेंस में हो जाएगा, और हैव हैड अपॉर्चुनिटीज ये अगर ऐसा देता है तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि ये बात पीछे कर देगा, समझे, सेंस फिर वही बात होगा कि
कि जब भी आपको इस टाइप का वर्ड रहे पोसेशन के लिए यूज किया है, इस हेड की कोई जरूरत ही नहीं थी, समझे? ये आपको जरूरत ही नहीं था, पोसेशन का जरूरत था तो ये हैव से काम हो जाता, अगर इसको पास्ट में लिखाना होता तो ये काट देता, सिर्फ हेड ले लेता, इसकी कोई जरूरत नहीं। नंबर आपका सी है हैव अपॉर्चुनिटीज टू रेंज, ये रेंज की वजह से गलत हो गया, क्योंकि अपने अगर वीमेन ऊपर बढ़ी है, सही है, अपने से ऊपर हुआ है, उसके लिए हम यूज करेंगे क्या राइट, या गलती है रेंज की वजह से, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर हैव और हैड साथ में यूज हो सकता है, हो सकता है, ये हैव और हैड अपने साथ में यूज कर सकता है, ये चलेगा, ठीक है, ये चल सकता है, समझे, ये यूज होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है, ठीक है। अगला आपका है कि हैविंग अपॉर्चुनिटीज, अब देखिए अगर ये सब्जेक्ट है, ये अगर विमेन सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमारा क्या चाहिए, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये अगर हैविंग दिया है तो ये पीपल हो गया, इसे हैविंग के लिए पीछे में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जैसे अगर हैविंग के पीछे इजमार होता, ठीक है, इजमार होता या वाज ओवर होता तब हैविंग होता तो सोच भी सकते थे, ठीक है, ये होता तो सोच भी सकते, जैसे विमेन आर हैविंग अगर ऐसा होता है तो सही होता, लेकिन गलत है, समझे, ये गलत होगा। 6:30 बजे नो क्लास ऑन सैटरडे शो कर रहा था सर, इसलिए लेट हो गया। चलिए आगे देखिए, अभी यार तुम लोग को नोटिस आपको बताया सैटरडे संडे ऑफ था, ठीक है, और फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया हुआ था, आप लोग ध्यान देते हो ना, सब चीज चाहते हो कि टीचर से ही पूछ लें, कुछ लोग मैसेज भी करते हैं, कुछ नंबर भी मैसेज करते हैं, यार मैं सब चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, एक टीचर पढ़ाऊँ, आपके मैसेज का जवाब दूँ, क्वेश्चन का जवाब दूँ, क्या करूँ, तो थोड़ा सा आप लोग अपनी थोड़ी चीजें ध्यान रखा करो, ठीक है, आपको भी ध्यान देना, क्या लगेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो अच्छी तरह जान ले, अपने खुद भी कुछ करते रहना। चलिए इसका आंसर होगा हमारा नो टैक्स रिक्वायर्ड, एनसीआर, ये बैंक पीओ में आता है, इसका क्वेश्चन एनसीआर, ठीक है, नो टैक्स रिक्वायर्ड, समझे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा होगा 4, ठीक है, इफ इंडिया, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारा आपका 4, इफ इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक, देखिए डेमोग्राफी, सही है, ये आपको डेमोग्राफिक और ये ट्रांजिशन, पास ऑफ स्पीच बनाना मेरे भाई, इसका पीओएस फटाफट, इसका पीओएस फटाफट बताना और इसका पीओएस फटाफट बताइए, तीनों का पीओएस बताना फटाफट बताओ, तीनों का पीओएस बताना, तीनों का आपको पीएस बनाना बताना, ठीक है, तीनों का बताना बताइए, तीनों का बताइए फटाफट बताइए, जब तक जवाब नहीं देंगे बताएंगे नहीं, तीनों का पीओएस बताना, ठीक है, और ये लोग जवाब दीजिए, थोड़ा सा फटाफट बताइए, बहुत सारे लोग जवाब दिए, फटाफट बताइए, गुड, बहुत लोग हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए ट्रांजिशन आयरन वाला, ये तो नाउन हो गया, ठीक है, आईसीबीआई हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और आपको मैंने कल बताया था कि नाउन अगर एपोस्ट्रॉफी एस हो जाए ना, नाउन के साथ अगर एपोस्ट्रॉफी एस हो जाए तो हमने क्या बताया था कि नाउन एपोस्ट्रॉफी एस हमारा क्या होता है, नाउन एपोस्ट्रॉफी एस डिटरमाइनर होता है, याद है, ये मैंने बता दिया कि नाउन एपोस्ट्रॉफी एस डिटरमाइनर होता है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, ठीक है, नाउन एपोस्ट्रॉफी एस डिटरमाइनर होता है, जाने भी गलती है, नाउन एडजेक्टिव नाउन पास हो गया, नाउन एडजेक्टिव और पीछे डिटरमाइनर है, समझे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं, सही है, नाउन एपोस्ट्रॉफी एस क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, ये आपको डिटरमाइनर बोलना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, तो ये इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टू बी स्पीडेड अप, हमने पढ़ाया था कि देखो ये मैंने पढ़ा दिया कि ये जो आपका है, ठीक है, ये आपका जो इरेगुलर वर्ब है, इसका वी2 वी3 याद होगा, ठीक है, इसका वी3 हम यूज करते हैं, चाहे आपका ब्लीड का, याद है, ब्लीड है तो उसका हम क्या यूज करते हैं, ब्लेड ब्लेड, याद है कि नहीं है, भूल गए, ये आपको याद रखना है, समझे, तो बड़ा सिंपल है, सर आ रहे हैं 8:30 बजे, हां भाई आ रहा, एकदम आएंगे, तो ये आपका गलती है, सिंपल गलती है, दूसरी चीज ये सीखनी है कि देख मेरे भाई 2 भी लगा, अगर आपका 2+B1 ठीक है इंफिनिटिव होता है, तो इसका पैसिव जो होता है 2B+V3 होता है, आप एकदम याद रखना कि 2B+V3 होता है, 2B का क्या होता है, V3 होता है, समझ लो, ये अच्छी तरह जान लो, तो लिखा इट विल हैव टू बी बाय अ स्पेशल प्रोसेस, ठीक है, आपको करना क्या है, ये आपको करना है, इसको स्पीड अप को स्पीड अप देख लो, खोजो पहले में भी आपका स्पीड अप है, इस टू बी स्पीड अप, ये सही है, अगर दिया 2:2 स्पीड अप, लिखा है कि इस टू स्पीड अप, अगर उसको क्या करना है, स्पीड अप करना है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, इस टू स्पीड अप, तो ये अगर ये इस टू स्पीड अप लिखा है और इस टू स्पीड अप लिखा है, दोनों में क्या अंतर, देखेंगे हम लोग, अगर लिखा इस टू स्पीड गलत है और एनसीआर होगा नहीं, अब एक चीज सीखने भाई, दोनों में अंतर क्या, पहले देखिए स्पीड होता है, ध्यान समझेंगे, देख भाई कि यहां पे सेकंड पार्ट में, यहां पे देखो लिखा क्या है, विल हैव टू बी बाय, अगर ये बाय दिया है तो बाय दिया तो बाय प्लस एजेंट, बाय प्लस डूअर होता है, ठीक है, किसी टाइप का भी कोई टाइप का, तो ये आपका पैसिव फॉर्म होता है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म होता है, दूसरी चीज याद रखिएगा कि अगर अगर हमारा डूअर, अगर डूअर ही सब्जेक्ट हो, डूअर जो करने वाला वो अगर सब्जेक्ट होगा, अगर डूअर ही सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमारा एक्टिव होगा, ये हमने पढ़ाया एक्टिव पैसिव क्लास में, जो बच्चे एक्टिव पैसिव नहीं देखे यूट्यूब पे सेशन है वो देख ले, वो फायदेमंद है आपका, वो फायदा करेगा, जो बच्चे यूट्यूब पर एक्टिव पैसिव का एक सेशन है नहीं देखे हैं, जाके आप देख ले, आपको फायदा करेगा, क्योंकि आप किसी भी क्लास में बैठो वो बहुत फायदा होने वाला है, जो मैं बात कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा डूअर जो करने वाला है वही अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वर्ब जो है एक्टिव फॉर्म में होगा, और क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा, ध्यान समझेंगे, अगर ये स्वयं सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो वर्ब आपका एक्टिव फॉर्म, लेकिन लेकिन अगर जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट हो अब वो करने वाला नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, जो सब्जेक्ट है वो करने वाला नहीं है, तो वो सब्जेक्ट हो और करने वाला नहीं हो तो उसका वर्ब जो होगा पैसिव में होगा, ये एक सिंपल फंडा है, ठीक है, तब वर्ब हमारा पैसिव में होगा, अब देखिए यहां से क्या है, ये लिखता है क्या कि इफ इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन है बदलाव है, और डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से, जनसंख्या से संबंधित डेमोग्राफिक, ठीक है, तो इंडिया का अगर जनसंख्या संबंधित ट्रांजिशन बदलाव, ये खुद होगा, ट्रांजिशन खुद होता है नहीं, किसी और के द्वारा होता है, तो अगर आपका सब्जेक्ट स्वयं डूअर हो जाए तब तो एक्टिव हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट स्वयं डूअर न हो तो वर्ब जो होगा पैसिव फॉर्म होगा, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए, यही चीज है, ये ट्रांजिशन स्वयं नहीं होगा, ये ट्रांजिशन स्वयं नहीं होता है, किसी और के द्वारा होता है, इसलिए इसका वर्ब जो है इसको होना पड़ेगा पैसिव फॉर्म में, और पैसिव फॉर्म क्या होता है, इज प्लस टू प्लस वी, एक्टिव हुआ उसका पैसिव होगा इज टू बी प्लस वी3, समझे, तो आपका आंसर होगा नंबर बी, नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारा पैसिव फॉर्म है, किसी को तकलीफ है तो बताएं, बात समझ में आ गई तो आप पेपर बता दो, ठीक है, यस या नो, हिमाद्री पॉल, सही है सर, एक्टिव पैसिव फिर एपर नहीं होगा भाई, हिमाद्री पॉल, ठीक है, क्यों नहीं होगा, आप पेपर यूट्यूब पे देखने दिक्कत है क्या, अबे यार मैं ही टीचर, मैं ही उसको भी पढ़ाया हूँ, एक प्रैक्टिस सेशन भी और बेसिक कंसेप्ट भी मैंने दे दिया कि एक्टिव पैसिव का ब्रॉड सेंस क्या है, क्यों हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, एक्टिव का मतलब है नाक सीधा पकड़ना, ये जो हाथ है ना, नाक को सीधा पकड़ लिया, ठीक है, और पैसिव का मतलब होता है कि नाक को घुमा के पकड़ना, ठीक है, यही
पैसिव होता क्या है, वर्ब का एक्टिव पैसिव होता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट जो करने वाला है वही सब्जेक्ट हो गया तो एक्टिव, और जो करने वाला है वो सब्जेक्ट नहीं हुआ तो पैसिव। सिंपल बंडा, समझे? आज यूट्यूब है क्लास 8:30 में, ये कोई दिक्कत है? ये बात समझ आई सबको? भाई देख, बहुत मेहनत करके मैं क्वेश्चन सिखाता हूं, बहुत मेहनत करके क्वेश्चन समझाता हूं, उसके पीछे राज है कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपका ब्रेन ये जो है ना खुल जाएगा, सही ना? क्वेश्चन का ऑपरेशन, आपका ब्रेन का भी ऑपरेशन हो जाएगा, इसे ध्यान से समझना, ठीक है? हां भाई, यूट्यूब है क्लास, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ऑल देयर एफर्ट्स वर डायरेक्ट, ध्यान से समझेंगे। ये भी मस्त क्वेश्चन और मस्त जवाब, सुनिए आप लोग, ये देख लो आपका ऑल देयर एफर्ट्स, ठीक है? ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है और ध्यान से समझेंगे। वर डायरेक्ट टू प्रमोट, और नरेशन का मतलब, अच्छा नरेशन का मतलब पूछ रहा है, नरेशन का मतलब वही होता है, सीधा बोलने वाला तो नाक सीधा पकड़ना, और डायरेक्ट हुआ ये डायरेक्ट वर्ड, डायरेक्ट नाक पकड़ना तो डायरेक्ट स्पीच, अब घुमा के पकड़ना तो इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी वही कहानी है, पढ़ेंगे उसमें भी। थ्री वाला लोगों को नहीं हजम होता है सर जी, ओके कोई बात नहीं है, चलते हैं, हो जाएगा हजम तो होगा, देखो सब चीज हजम होगा, पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, पढ़ने वाला भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए आपने ऑल देयर, देखिए ध्यान से ऑल देयर एफर्ट्स, सीखने का चीज है, क्या क्या सीखने का देखेंगे, क्वेश्चन ये एफर्ट्स क्या है, देयर क्या है और ऑल क्या है, फटाफट जवाब चाहिए हमें, फटाफट जवाब चाहिए, रन करना, आंसर नहीं चाहिए, जवाब ये चाहिए, ये एफर्ट्स यहाँ क्या, एफर्ट यहाँ क्या भाई, एफर्ट्स क्या है, एफर्ट्स नाउन है। दूसरी चीज ये देयर क्या, ये चीज देयर क्या, दूसरी चीज देयर क्या, फटाफट जवाब दें, देयर क्या, देयर हमारा आपका पॉसेसिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये ग्रुप ए डिटरमाइनर, आपको बोला ना ग्रुप ए डिटरमाइनर पहले हो गया, ऑल क्या, ये आपका ग्रुप बी डिटरमाइनर, ग्रुप बी डिटरमाइनर, ये ग्रुप बी डिटरमाइनर याद है, और हमने ये भी कहा था कि ऑल के साथ हमारा पीसीएन भी होता है, याद है, और ऑल के साथ हमारा एसयूएन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, लेकिन जब एसयूएन आता है ना यहाँ पे कोई ना कोई डिटरमाइनर होना चाहिए, ऑल वाटर नहीं होता है, ऑल वाटर होता है, ठीक है, ऑल प्लस पीसीएन हो सकता है, अगर आपको आना है तो ग्रुप ए यहाँ पे आएगा, ग्रुप ए आएगा प्लस क्या होगा, नाउन होगा, देखो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख लो ये आपका दोनों डिटरमाइनर, ये ग्रुप ए या ग्रुप बी है, इसलिए मैंने बेसिक क्लास पहले ले लिया, सारी चीजें आपको पहले बता दिया, तो मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, लिखता है कि वर्ड, ठीक है, वर्ड डायरेक्ट, देखो वर्ड डायरेक्ट टू, देखो ये वर्ड डायरेक्ट लिखा, आपको पता है कि डायरेक्ट जो है हमारा, ध्यान समझेंगे, डायरेक्ट जो है हमारा V1 है, ये डायरेक्ट हमारा क्या V1 है, ठीक है, अगर ये V1 है तो आपको पता है कि V1 जब यूज करते हैं तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं या मॉडल्स के बाद यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या उसके बाद शैल विल मॉडल्स के बाद V1 का प्रयोग होता है, अन्यथा आप यूज करते हैं, या आप V1 देखते हो 2 + V1 में देखते हो जिसको आप बोलते हो इंफिनिटी, या V1 को हम लोग जानते हैं बेयर इंफिनिटी रूप में, तो वो मेरे पास होता नहीं है। अब देखते हैं यहां वर्ड लगा हुआ है, अगर वर्ड दिया है आपको पता है कि इज एम आर यानी वर्ब टू बी, इज एम आर वाज वेयर के बाद V4 होता है तो एक्टिव फॉर्म, और V3 होता है तो पैसिव फॉर्म, इज एम आर वाज वर के बाद, सही है, अगर आपको क्या हो ध्यान समझेंगे, इज एम आर वाज वर के बाद अगर V3 है तो पैसिव और V4 है तो एक्टिव, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका बफर कर रहा है, नो किसका बफर हो रहा है आप लोग का, ये मेरा, देखिए मैं तो बफर नहीं कर रहा, बफर कर रहा है क्या, बता दो भाई किसका बफर कर रहा है, राशि कमेंट करना, मैं देख लेता हूं अपना, बफर कर रहा है आप लोग बताइए, बफर हो रहा है क्या, बफर हो रहा है क्या मेरे भाई, बफर हो रहा है क्या आप लोग बता दो, मुझे तो नहीं हो रही है, कहाँ बफर हो रहा है भाई, अजीब अजीब लगता है, परेशान कर दे, तो कहाँ बफर हो रहा है, चलिए आगे बढ़िए, चलिए, नहीं सर नहीं कर रहा है सर, नहीं ठीक है सर अभी हुआ था, अच्छा ठीक है सर अभी बात, ओके अब बफर नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये हमारा क्या है, तो बोला जा रहा है कि इजमार वाजवेयर के बाद V3 हो तो पैसिव, अगर आपका इजमार वाजवेयर के बाद V4 हो तो एक्टिव, ये सिंपल बनता है, सही है, याद रखेंगे, अभी हो गया, ओके नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ, तो ये आपका यहां गलती है, डायरेक्ट नहीं होगा, सही है, और आपको मैंने ये भी बताया कि इन्फिनिटिव का यूज, इन्फिनिटिव 2 + V1 का पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए, नाउन के बाद, एडजेक्टिव के बाद या मेन वर्ब के बाद कहीं भी कर सकते हैं, 2 + V1 देखिए क्या वर्ड डायरेक्ट टू प्रमोट क्या है, ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि पर्पस के बाद, पर्पस के लिए, याद है ना, पर्पस के लिए हम कभी भी यूज कर सकते हैं इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, इन्फिनिटिव का यूज हम लोग नाउन के बाद, ठीक है, या हम एडजेक्टिव के बाद सबसे ज्यादा, या मेन वर्ब के बाद, या वर्ब के बाद कोई वर्ब हो, फाइनाइट या अनफाइनाइट हो, हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं पर्पस को दर्शाने के लिए, पर्पस उद्देश्य के लिए, याद रहेगा, तो ये हमारा वर्ड डायरेक्टेड टू प्रमोट, खोजिए ऑप्शन सब आपको खोजना है, खोजिए ये वर्ड डायरेक्टिंग दिया, ये वर्ड डायरेक्टिंग टू दिया, अब देखिए वर्ड डायरेक्टिंग टू का मतलब ऑल देयर एफर्ट्स वर्ड डायरेक्टिंग टू, ये डायरेक्टिंग टू का मतलब हो गया एक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म हो गया, सर साउंड नहीं आ रहा, नो अभी साउंड नहीं आ रहा क्या, बच्चा बड़ा पीस साउंड नहीं आ रहा, ये आपका वर्ड डायरेक्टिंग टू, वर्ड डायरेक्टिंग टू का मतलब है कि वो डायरेक्ट हो रहा था, ऐसा दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिंग टू का सेंस जो है कि उस दिशा में गया, सही है ना, उस दिशा में गया, सही है, तो ये आपका वर्ड डायरेक्टिंग टू नहीं लेंगे, वर्ड डायरेक्टेड टू जो था ना, जैसे एम्ड, इट वाज एम्ड टू, उस सेंस में लक्ष्य की ओर जाने के लिए, सही है, लक्ष्य की ओर गया उस सेंस में, ये नहीं यूज करेंगे, नेक्स्ट हमारा वर्ड डायरेक्टेड एट, डायरेक्टेड एट नहीं लेंगे, क्योंकि आगे V1 है, क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन हो गया एट, तो ये आपको क्या होगा, प्रमोटिंग चाहिए, हम जानते हैं कि 2 + V1 होता है इंट्रोड्यूस, अगला लिखा है कि ऑल द एफर्ट्स हैव डायरेक्टेड फॉर, गलत है, ये हैव डायरेक्टेड फॉर का मतलब क्या हुआ, कि उसने ऐसा किया, सही, एफर्ट ऐसा काम थोड़ी करता है, आगे हमारा दिया वर्ड डायरेक्टेड टू, सही है, ये आपका नंबर सी, ये आप जैसे आपको बोलते हैं कि आपका जो एफर्ट, जैसे मेरा टीचिंग का, माय एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू, सही ना, माय एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू टीच मोर एंड मोर, समझे, ये है, तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है, ये बच्चा बोला कि 100%, ये आपका एकदम सही है, वर्ड डायरेक्टेड टू, ठीक है, और ये आपका एनसीआर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो नेक्स्ट है, सच इनइक्वलिटीज, सच इनइक्वलिटीज कैन बी फाउंडेड, अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको पता है ना, पहले यहीं से सीख लेते हैं कि ये पहले इनइक्वलिटीज क्या है और सच क्या, फटाफट जवाब दीजिए, यूएस में फटाफट जवाब दीजिए, दोनों का यूएस बताना, कि सच इनइक्वलिटीज कैन बी फाउंडेड, देखिए ये फाउंड अगर लिखा है, फाउंड अगर दिया, ध्यान समझेंगे, और ये अगर बी के बाद है, बीईडी के बाद, ठीक है, और यहाँ मॉडल है, आपको पढ़ा दिया हमने क्या, कि मॉडल के साथ बी और बी के बाद क्या होता है, बी थ्री होगा तो पैसिव, ठीक है, बी थ्री होगा तो पैसिव, अगर V4 हुआ तो क्या होगा, एक्टिव, जैसे बी सेल्वी प्लस V4 होता है, तो ये आपको याद रखना, बात समझे, दूसरी बात कि अगर ये इनइक्वलिटीज के बारे में बोले तो ये नाउन है और पीसीएन है, पीसीएन सच यहाँ क्या है, डिटरमाइनर है, ध्यान समझेंगे, और इनइक्वलिटीज का मतलब होता है असमानताएं, ठीक है, असमानताएं, इसको हिंदी बोलते हैं असमानताएं, ठीक है, असमानताएं, ये बोलते हैं असमानताएं, ठीक है, इनइक्वलिटीज, तो ये आपको लिखा है कैन बी फाउंडेड, आप देखो भाई ये फाउंड जो है ना, अगर बात करते हैं फाउंड की, तो फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, मैंने पढ़ा दिया, स्थापना करना, ठीक है, स्थापना करना, जबकि आपका अगर पाने की बात करें तो पाना का होता है फाइंड, फाउंड, सही है, और फिर होता है फाउंड, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, सही है, कंफ्यूजिंग पेपर, तो आप बताइए कि यहाँ फाउंडेड होगा या सिंपली फाउंड होगा, असमानताएं पाई जा सकती है, असमानताएं सही है पाई जा सकती है, तो कैन बी फाउंडेड होगा या कैन बी फाउंड होगा,
सिंपल है कि पाना के लिए आपको फाइंड फाउंड फाउंड होगा, तो आपका यही गलती है, ठीक है, सीखना इसको इनफाइंड इन। अब सीखें ये चीज, बेहतरीन चीज है। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, ये तो हो गया कि आंसर क्या होगा सो, ठीक है, ये हम समझ गए कि आंसर हमारा क्या होगा, वो हम समझ गए कि आंसर हमारा होगा सो। देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा सो आपको बताना है, ऑप्शन ऑप्शन हमारा जो है ये तो तय हो गया कि आपको लिखा है कैन बी फाउंड, ये आपका सही है। वुड हैव बीन फाउंडेड, फिर फाउंडेड दिया, फिर फाउंडेड दिया, गलत है। वुड हैव फाउंड, सही है, वुड हैव फाउंड देने की जरूरत ही नहीं है, समझे, कैन बी फाउंड सिंपली, वुड हैव फाउंड की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कैन बी फाउंड, ये तो आंसर हो गया भाई। लेकिन सीखना क्या सो सीखते हैं आपने, सीखना ये पढ़िए, क्वेश्चन ये है आपको और सीखना क्या सो सीखेंगे, ये तो सीखने की बात है। आपको बताना कि ये इनसाइंड क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये इनसाइंड क्या है बताइए फटाक से। ये तो आपको याद रखना है कि इनसाइंड के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, इनसाइंड इन, ये रट्टा मार के रखना है, इनसाइंड इन, या आप लिख सकते हो इंबडीड इन, सही है, इंबडीड इन, ये प्रीपोजिशन याद रखना है, ठीक है, इनसाइंड इन या इंबडीड इन, सही है, इस रूप में, या आप ये नाउन होता है और इसका मतलब आपका टेंपल होता है, मंदिर, ठीक है। तो मंदिर क्या होता है, तो मंदिर जो हमारा पवित्र स्थल होता है, ये आपका पवित्र स्थल होता है, ठीक है, मंदिर हमारा क्या होता है, पवित्र स्थल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बात लिखी गई है वो इनसाइंड है, इनसाइंड का मतलब है कि वो पवित्र है और हमारे संविधान में क्या उपलब्ध है या वर्तमान में वहाँ क्या प्रेजेंट है, ये सेंस होता है। तो याद रखिएगा, यस सर, इनसाइंड और इंबडीड का हिंदी मीनिंग सर होता है किसी चीज में रहना, सही ना, किसी चीज में उपस्थित होना, किसी चीज में सही ना रहना, इस सेंस में। तो ये याद रखिएगा, ये सीताराम बफ क्यों कर रहा है, समझे, फाउंडेड क्यों नहीं हो सकता है सर, विक्रम सिंह फाउंडेड, फाउंड का होता है बी2 बी3, फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, और फाउंडेड फाउंडेड स्थापना करना नहीं है, फाइंड फाउंड चाहिए, सही है, इसलिए नहीं हो सकता। ये चलिए वर्ड याद रखिएगा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए यहाँ पे इनसाइंड जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में इनसाइंड क्या है, विक्रम सिंह सर वीक पॉइंट, वो क्या है, आई डिफेंड यू सर, ठीक है, चलिए आप लोग का वीक पॉइंट है सबका, चलिए इनसाइंड, ये आप लोग इनसाइंड नहीं, बड़ी नहीं और इंग्रेविंग एक टाइप का वर्ड है, सही है, जैसे कोई जैसे पत्थर पे कोई चीज इंग्रेव है उस पर लिखा रहा था, इंग्रेव ऊपर से लिखा रहा था, सही है, अशोक अशोक का पिलर है ना, उसमें बहुत सारी चीज इंग्रेव है लिखा हुआ, सही है, उस पर क्या उपस्थित है, उस पर है। आपको क्वेश्चन ये बताना मेरे भाई लोग, इनसाइंड यहाँ पे क्या, कुछ बच्चे बोले सर कैन बी फाउंडेड, ये भी बी3, यहाँ तो बी के बाद बी3 होगा ही, ये मेन वर्ड है मेरे भाई, लेकिन यहाँ जो इनसाइंड है ये बी3 कोड है, आपको ये बताना है, फटाक से जवाब दीजिए, इनसाइड इधर क्या लिखा हुआ, इनसाइड इन द कंस्टिट्यूशन, ये आपको बताना है कि ये क्या, फटाफट जवाब दीजिए। अबे यार करना मत, कहरू कह रहा है तो लिखने की जरूरत क्या है भाई, बपूरा मेरा बप नहीं कर रहा, मेरा तो नेट सही है, मेरा सब चीज़ सही है ना, मेरा बपूरा बप कहाँ कर रहा है भाई, तुम लोग डिस्टर्ब कर छोड़ देते हो, अब सही है, पहले से बताइए इनसाइड क्या है, सही है, एडवर्ब, हाँ विक्रम सिंह बोला कि एडवर्ब, अबे यार पूरा दुनिया पढ़ा दिया, मैंने बताया था कि भी3 अगर, ठीक है, भी3 अगर मेन वर्ब के अलावा कहीं बीच में घुस गया है वो क्या होगा, उसको मैंने क्या बोला, सही है, कभी कभी होता है, अच्छा तो देखिए बी इनसाइड जो है लिखा कि सच इनिक्विटीज कैन बी फाउंड इनसाइड इन, ठीक है, ये इनसाइड इन द कंस्टिट्यूशन दिया, ये आज के डेट में आपको नॉन फाइनाइट के रूप में, समझे, ये एडवर्ब मत बोलिए, ये एडवर्ब हो गया, समझे, नॉन फाइनाइट के रूप में इसे यूज किया गया, ये अच्छी तरह जान लीजिए, नॉन फाइनाइट इसको कहते हैं, समझे, चाहे नॉन फाइनाइट के रूप में, ये चाहे एडजेक्टिव के रूप में हो जाए या सिंपली आपको नॉन फाइनाइट हो, लेकिन ये आपका नॉन फाइनाइट है, ये आपको जानना होगा, सिंपल ये, ठीक है, चाहे आप इसको किस रूप में लेंगे, चाहे नॉन फाइनाइट, देखो ये भी3 चाहे नॉन फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट के तौर पे एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन ये है क्या, नॉन फाइनाइट है, समझे, ये अच्छी तरह जान लीजिए, ये आपका क्या, ये नॉन फाइनाइट है, चाहे वो नॉन फाइनाइट के तौर पे एडजेक्टिव में हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये आपका मेन वर्ब कतई नहीं होगा, याद रखिएगा, ये मेन वर्ब कतई नहीं होगा, ओके, चले आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 7, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन, देखिए, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 हैव, ठीक है, बॉर्न फ्रूट, अब देखो क्वेश्चन, आपको जवाब देना है यहाँ पे, फटाक से जवाब दीजिएगा, सर हमारे पास भी नेट है, प्लीज झूठ ना बोल, आपसे हमारे रवि हमारा नहीं कर रहा है, चलिए आगे देखो, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 हैव बॉर्न फ्रूट, अब आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें मेन वर्ब क्या है, फटाक से जवाब दें, मेन वर्ब बताना, इस स्टेटमेंट में मेन वर्ब कौन है, फटाक से बताएं कि मेन वर्ब कौन है मेरे भाई, ठीक है, मेन वर्ब बताइए कौन है, और उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, फटाक से जवाब देना, दो चीज जवाब देना, इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन है और सब्जेक्ट कौन है, फटाक से जवाब दीजिए, जल्दी मेन वर्ब कौन है, फटाक से जवाब दीजिए, मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब ये पूछो, मेन वर्ब विक्रम सिंह का कांसेप्ट, गोबर है तुम, विक्रम सिंह तुम गोबर है, ठीक है, तुम क्या है, गोबर है, ठीक है, इनिशिएटेड बोला, अब याद है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 हैव, ये हैव बॉन्ड दिया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये बी आर एन ई क्या होगा, मेन वर्ब, नहीं पता है बियर, ठीक है, बियर बोर और हमारा बॉन्ड भी होता है, ठीक है, और बी ओ आर एन ई बॉन्ड भी होता है, जब ये वाला होगा इसका मतलब सहना या झेलना के लिए यूज करते हैं, सहना या झेलना, और ये वाला जब होता है तो जन्म लेना, सही है, जन्म लेना या उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना, इस सेंस में यूज करते हैं, भूल गया क्या, पढ़ना लिखना तो है नहीं, विक्रम सिंह पढ़ना लिखना तो है नहीं, मुंह उठा के आ जाते हो, पहले हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, जब मैं पढ़ा था वर्ग का तो लोग भाग रहे थे, इसका क्या पढ़ा रहे, अभी आपका फीलिंग पेपर पढ़ा था बियर का, तो सर भाग गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है मैंने बताया, समझे, हमने पकड़िया बोला कि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले जो है सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट प्रीपोजिशन से जो पहले होगा, नाउन हो, प्रोनाउन हो, दो प्लस एडजेक्टिव हो, जेनरल हो, जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन इन है, इससे पहले ये बी3 है, ये बी3 सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये खत्म, बचा गया तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और इसका जो सब्जेक्ट का मेन वर्ब होगा वो होगा बी आर एन ई, और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैव, वाला चीज, तब क्वेश्चन ये होता है कि ये बताइए सर ये क्या इनिशिएटिव आ गया, आप ही से क्वेश्चन है, अभी तुरंत आपने जवाब दिया, ये इनिशिएटिव बी3 क्या है, फटाक से जवाब दीजिए, ये बी3 क्या है, फटाक से जवाब दीजिए, समझे, ये आप लोग बताओ फटाक से, ये क्या, ये बताओ कि इनिशिएटिव यहां बी3 में कौन वर्ब है, कौन वर्ब, मैंने बता दिया ये आपका इनिशिएटिव नॉन फाइनाइट है, अभी क्या कह रहा है विक्रम, ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि आप इसको फाइनाइट में चेंज कर सकते हो, मैं बता दिया पहले टॉपिक, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट आर इनिशिएटेड, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का यूज करो ना, दैट यूज करो या व्हिच यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आगे हैव है तो आप यूज करो, आर दैट आर इनिशिएटेड, ठीक है, या आप लिखो कि पास का बात है ना, पीछे क्या इन है, बाहर मत देखिए, आप लिखो दैट वर्ड, क्योंकि यहां पे इन नहीं है, पीछे की बात है, लिख सकते हो नॉन फाइनाइट है भाई, यही सीखना है, समझे, यहां पे सीखा ये नॉन फाइनाइट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, अब आते हैं इस पे, क्या ये बॉन्ड होगा, बी आर एन ई, नहीं, अगर आपको फ्रूट फल उत्पन्न हुआ है तो फल उत्पन्न होने के लिए हम टू बियर फ्रूट लिखते हैं, इवन तो यही होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म जो इसका यूज करेंगे ये होगा बॉन्ड फ्रूट, समझे, ये सेंस लेंगे, इसलिए हमारा पहले तो देखेंगे रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स क्या है, पीसीएन है, ये बुलेट सब्जेक्ट हुआ, तो बुलेट सब्जेक्ट के साथ क्या लेंगे, हैव, पहले बात याद, इसे नंबर ए तो ऐसे ही खत्म, नंबर बी हैव बर्न्ड, बर्न्ड दिया, जला दिया, हैव बीन बॉर्न फ्रूट्स, ये भी गलत, ठीक है, अब हमारे पास मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो
देखिए हैव दिया रिफॉर्म से बड़ी चाहिए बीन है और बीन के बाद हमारा एक्टिव फॉर्म क्या होता है बी4 तो बियरिंग द फ्रूट्स नंबर है हमारा डी4 डॉग ठीक है नंबर है हमारा डी4 डॉग समझ लो नंबर हमारा क्या है ये नंबर होगा डी4 डॉग ये मजबूरी का नाम क्या लिख सकते हो महात्मा गांधी समझ लो ये याद रखिएगा इसको बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसी को दिक्कत मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ठीक है मजबूरी का नाम क्या लिख सकते हो ये है आपका करण का नाम ए नंबर बोलता माने थपिया ने दिमाग कटा याद देख रहे हो हैज लिखा हुआ है हैज दिया है रिफॉर्म से रिफॉर्म क्या है पूरा सब्जेक्ट है ठीक है से बोल दिया करण का नाम एक से बोलिए समझे तो ये हमारा है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हैविंग बियरिंग द फ्रूट्स सही है सिंपल द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 हैव बीन ठीक है ये ऑप्शन आपका क्या होगा हैव बीन बियरिंग द फ्रूट्स जो 1991 में शुरू हुआ था वो आज भी क्या कर रहा है फल पैदा कर रहा है उत्पन्न कर रहा है सिंपल बात है समझ लो सेंटेंस का हिंदी मोहम्मद कैफ साहब ठीक है ये गलत है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 में जो रिफॉर्म्स इनिशिएट हुआ अभी भी क्या कर रहा है हैव बीन बियरिंग द फ्रूट्स मतलब फल उत्पन्न कर रहा है जो अभी भी चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो कहानी पीछे से शुरू हो और स्टिल गोइंग ऑन हो उसके लिए यूज करते हैं सही तो ये हाइडी का है अब क्वेश्चन ये कि हाइडी का पार्ट्स वैसे बताइए ये तो हमारा V3 एडजेक्टिव हो गया V3 ADJ हो गया
आईडी क्या, आईडी क्या बताइए, आईडी क्या, फटाक से जवाब दो। आईडी हमारा एडवर्ब, यस, एक्चुअल कंबिनेशन, नाउन, एडजेक्टिव, या एडवर्ब। सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेशन, देखिए सिमुलेशन ये वर्ड पहले सीखिए, सिमुलेशन, देखिए सिमुलेशन, देखिए ये होता है वर्ड नाउन के रूप में, और सिमुलेट होता है वर्ब, ठीक है। सिमुलेट का मतलब होता है ये नकल करना होता है, समझे, नकल करना के सेंस में होता है, या इसको बोलते हैं स्वांग करना। स्वांग करना का क्या मतलब होता है, हिंदी का स्वांग करना, जैसे आपको जो नकली अभ्यास करना, सिमुलेट का मतलब नकली अभ्यास, जो डिफेंस में नकली जो युद्ध अभ्यास होता है ना, उसको हम लोग सिमुलेट करते हैं, और जो जिसमें हम अभ्यास करते हैं नकली जो वेपन्स होता है, ठीक है, उसको हम सिमुलेटर्स कहते हैं। जो हमारा नकली, सही ना, जो नकली आपका ट्रेनिंग के लिए जो हमारा वेपन्स होता है उसको हम बोलते हैं सिमुलेटर्स, याद रहेगा, ये सिमुलेटर्स हुआ, याद रहेंगे, ये वर्ड काफी अच्छा है, सिमुलेटर्स आपको याद रखना है, ठीक है। सिमुलेटर्स क्या करना है, याद रखने का है, हो गया। लिखता है ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन, अब देखिए वही तो लिखा हुआ है कि ये जो सिमुलेटर्स होता है ना, इसी सिमुलेटर्स पे क्या होता है, सोल्जर्स जो है ट्रेनिंग देता है, सोल्जर्स किस पे ट्रेनिंग देता है, आपको सिमुलेटर्स पे लेता है, तो सिमुलेटर्स ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन, ठीक है। और ट्रेन आपका क्या, सही तो दिया, ट्रेन मींस क्या, ट्रेनिंग लेता है। अब आपको जवाब देना मेरे भाई, सही है, अब आपको जवाब देना है, बताइए इसमें क्या गलती है, ये हमने सारा चीज तोड़ दिया, आपको जवाब देना है, फटाक से जवाब दीजिए, इसमें क्या होगा, आंसर आपको बताना है, आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या हमारे पास एक एनसीआर भी है, देखो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, फटाक से जवाब, जवाब फटाक से चाहिए, जवाब दीजिए इसका, कोई नहीं जवाब दिया, वाह, विक्रम सिंह डी, ओ, तो लिखता है क्या, ऑन विच द सोल्जर्स हैव बीन ट्रेंड, अरे भाई हैव बीन ट्रेंड देने की क्या जरूरत है, या पैसे की क्या जरूरत है, जैसे हम बोले कि मेरे पास कलम है जिसे मैं लिखता हूं, आई हैव पेन विद विच, मेरे कुछ विद विच आई एम राइटिंग, कुछ लोग यहां पैसे की जरूरत कहां है, यहां ऑलरेडी लिखा ऑन विच सोल्जर्स, क्या ऑन विच सोल्जर्स लिखा हुआ ना, ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन, इस पर वो सोल्जर्स क्या करता है, प्रशिक्षण लेता है, प्रशिक्षित होता है, यहां की जरूरत है पैसे का, लाइव हो गए 8:30 में, सही ना, ऑन YouTube, सिंपल देखो, अगर लिखता है कि यहां से देखते हैं ऑन विच सोल्जर ट्रेन, ये अपने आप में सही है, विच सोल्जर ट्रेनिंग ऑन, गलत है, सोल्जर ट्रेनिंग ऑन, अरे भाई ट्रेनिंग कर दिया है तो इसके पीछे कुछ हेल्प नहीं है, ऑन विच सोल्जर है, सोल्जर के साथ है वो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि सोल्जर सिंगुलर है तो है वो नहीं, ये गलत। अगर लिखा विच द सोल्जर टू ट्रेन, टू के बाद अगर ट्रेनिंग रहता ना, ट्रेनिंग, अगर ये ट्रेनिंग रहता ना, सोच भी सकते थे ऑन विच, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑन विच द सोल्जर्स होना चाहिए था, ऑन विच द सोल्जर्स, अगला ऑन विच द सोल्जर्स हैव बीन ट्रेंड, हैव बीन ट्रेंड नहीं, यानी ट्रेंड हुए थे, सही ना, हुए हैं इस सेंस में, ये आपका जनरल सेंस है, और जनरल सेंस है इसको पैसे मिल जाने की जरूरत नहीं, सोल्जर्स उस पर ट्रेनिंग लेते हैं, सही है, सोल्जर्स उस पर ट्रेनिंग लेते हैं, जो सब्जेक्ट ट्रेनिंग देने वाला है वही सब्जेक्ट है सोल्जर्स, इसलिए उसको एक्टिव में रखेंगे, तो आंसर हमारे पास एक है जिसका नाम है एनसीआर, बस अरे आंसर क्या होगा हमारा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन, सी नंबर नहीं होगा भैया, अगर विच द सोल्जर उसका टू दिया, सोल्जर के साथ टू होता है, करंट करना मत, सोल्जर का सिंगल होना चाहिए था, यानी इसको सोल्जर होना चाहिए, टू उसका ट्रेनिंग होना चाहिए था, बस सोल्जर के साथ नहीं होगा, ये बड़ा सिंपल बात है कि सोल्जर के साथ टू होगा, करंट करना मत, सोल्जर के साथ कैसे कर दिया, सी कैसे सी दे दियो, राजू कुमार राजकुमार प्रसाद, मैंने बोला था ना कि अगर हमारा सब्जेक्ट करने वाला सही है, जो टू है वही सब्जेक्ट है, तो उसको एक्टिव में रखिए, पैसे में करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये पैसे में करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि द सोल्जर्स हैव बीन ट्रेंड, इसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डुअल कौन है, ट्रेनिंग कौन है, सोल्जर्स, तो क्यों द सोल्जर्स ट्रेंड, ठीक है, चल गया आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, देखिए देखो एक क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन सीखते हैं, आज ये तुम क्लास करो, अभी क्लास करके अभी आप यूट्यूब पे लेंगे, देखना नेक्स्ट डिस्कशन, तुम उसमें आओ, तो देखना कि ये क्लास का फायदा उस क्लास में होगा, बात को समझ आ जाएगा, समझ में नहीं आया फिर से बताइए, नहीं बताएंगे लोग, नहीं समझ आया पागल बोलते रहे, जाके वीडियो रिपीट करके देख लेना, एक चीज का समझ क्या समझ आता है, इसमें बात की तरफ पूरा नहीं समझ, क्या नहीं समझ में, अगर ये एक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है, सही है, बताया कि मिलिट्री के पास, सही ना, मिलिट्री के पास क्या है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, ये सिमुलेटर्स, और सिमुलेटर्स क्या करता है, तो इसी सिमुलेटर्स पर सोल्जर्स जो ट्रेन करता है, ये आपका बुलेट सब्जेक्ट है, बुलेट सब्जेक्ट के लिए भी बनेगा, सही है, या सोल्जर ट्रेनिंग दिया गलत हो गया, या और भी सोल्जर है दिया है, वो सोल्जर के साथ है, जो चाहिए, क्योंकि सोल्जर पर सिंगुलर है, उसका या सोल्जर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर बनना चाहिए, जाना चाहिए नहीं है, और ये आपका पैसे फॉर्म, पैसे का कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्या समझा, नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, ऐसे लग रहा है कि जैसे इनका नौकर है, ठीक ना, ऐसे लग रहा है कि फिर से करो ये काम, चलिए देखिए, नहीं समझा, आप अपने भी सोचिए क्या, क्या नहीं समझाया, नंबर 10 पे आइए, बोले गुस्सा जाते हैं सर, गुस्सा मेरा लाजमी है, ठीक है, पैसा पार्टी करते हो, देयर डिनर पार्टी वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, देखो ये वर्ड जो है दोनों अंतर है, आपको मैंने बोला कि होम फोन्स पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया, अब देखो वर्ड है HOIST, ठीक है, और एक वर्ड है HOST, दोनों में अंतर, दोनों होम फोन्स है, ये आपका वेस्ट जो है ये आप यूज करते हो क्या चीज के लिए, तो झंडा फहराने के लिए, झंडा तोलन करना, ठीक है, झंडा तोलन करते हो ना, उसके लिए यूज करते हैं, फ्लैग होस्टिंग, ठीक है, और ये आपका है क्या, होस्ट मींस होता है मेजवानी करना, मेजवानी, ठीक है, मेजवानी करना मतलब आपने गेस्ट बुलाया, होस्ट मतलब आपने मेहमान को बुलाया और उनको खाते जारी करोगे, तो उसको कहते हैं होस्ट, ठीक है, जो मेहमान को पार्टी दे, तो ये आपको ध्यान समझेगा, ये टेस्ट का वीडियो चल जाएगा, परेशान मत हो, टेस्ट का वीडियो 8 बजे चल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, समझे, दो टेलीग्राम चैनल है उसमें चल जाएगा, एक चैनल आप जारी रहो, इंग्लिश भाई, इंग्लिश भाई ऑफिसर सुशील सर, उसमें भी रहेगा, और मोहित सर का टेलीग्राम है उसमें भी रहेगा, इंग्लिश भाई ऑफिसर सुशील सर, ठीक है, इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इंग्लिश भाई ऑफिसर सुशील सर सर्च कर लीजिएगा, इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, 8 बजे डालेंगे, खत्म होगा तब डालेंगे, और 8:30 बजे सेशन शुरू, तो देखिए ये हमारा वर्ड था, ये होता है हमारा झंडा बनाने के लिए, HOST जो होता है वो होता है क्या चीज के लिए, तो उस सेंस में, अब देखिए आंसर, अगर ये दिया है सही ना HOST, तो पहले इसको खत्म कीजिए, HOST को पहले खत्म कीजिए ना, तो आपका क्या वेस्टेड नहीं होगा, बाय तो ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट सही है, इसके द्वारा वो होगा सही है, ये होस्टेड विथ सही ना, विथ की वजह से कट गया, बाय होना चाहिए, ये विथ के कारण खत्म, ऐसे भी वेस्टेड है, अगर ये वेस्टेड फॉर ये भी गलत, तो हमारे पास एक ही समझा, पकड़ नंबर डी, बस समझे, पहला चीज गलत करना मत बोलना, ये नंबर, ये भाई बाकी जिसके द्वारा दिया जाता है ना, तो होस्टेड बाय लिखते हैं, जैसे फेलिसिटेटेड बाय था पीछे, बस समझे, ये आपका भाई है, ये राइट केस हो गया, ये अगर ये भाई रहता ना तो सही होता, भाई नंबर आपको डी में दिया, पहला चीज, दूसरा चीज ये सीखना है भाई कि ये बताओ कि इस प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब कौन है, जल्दी फटाफट बताओ, सब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब क्या, फटाक से बताइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब क्या, फटाक से जवाब दो, द डिनर पार्टी यहां पे आपका क्या होगा, वेस्टेड नहीं होगा, यहां आपका क्या होगा, होस्टेड होगा, HOSTED, होस्टेड बाय, ये तो क्या होगा, होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब वाज कैंसिल्ड ड्यू टू सम अनफोर्सीन प्रॉब्लम, देखिए यहां ड्यू टू क्या है ये भी बताना, ड्यू टू क्या है ये बताना पार्ट ऑफ स्पीच में, और उसका अनफोर्सीन का मतलब जिसे आपने देखा नहीं है, सही, अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है ना वो अनसीन प्रॉब्लम्स है, अनसीन, अनसीन भी कहिए, अनफोर्सीन कहिए, जिसकी भविष्यवाणी, फोर्सीन मींस होता है भविष्यवाणी करना, और अनफोर्सीन माने जिसकी भविष्यवाणी नहीं किया था वैसा समस्या उत्पन्न हो गया, ठीक है, अब आपको बताना, फटाक से बताइए, अगर आपने बता दिया ना तो मैं समझ आऊंगा, समझे, अगर आपने कर दिया ये बात तो मैं समझ आऊंगा, ठीक है, अगर आपने कर दिया तो मैं समझ आऊंगा, फटाक से जवाब दीजिए,
से बताइए कहाँ यार, बता नहीं ना तू लोग, जल्दी बताओ यूट्यूब पोजीशन है। यस मेन वर्क जल्दी बताइए। ओके यहां पे आपको बता देते कि होस्टेड जो मेन वर्ड नहीं है वो हॉस्ट कैंसिल कैंसिल मेन वर्ड है, ये हेल्प करिए पैसिव है, ठीक है पैसिव फॉर्म है। और ये होस्टेड ये ड्यू टू आपका पोजीशन है और ये आपका प्रॉब्लम जो है डाउन हुआ, अनफॉर्चूनेट आपका एडजेक्टिव हुआ और सम आपका डिटरमाइनर हुआ और फिर पोजीशन की वजह से मतलब थोड़ा ड्यू टू जो है की वजह से इसके वजह से आपका प्रॉब्लम आया। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि होस्टेड क्या होगा, अगर ये होस्टेड से होस्टेड हुआ है तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फटाक से जवाब दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, कोई नहीं कर रहा, बताइए आपको बताना है सही है कि ये बताइए कि ये क्या, जल्दी बताओ। अब आप लोग ये बताना, मैं देख रहा हूं कौन बता रहा है, ये बताइए, ये आपको बताना होगा कि ये क्या है, ठीक है। ये जो आपको अगर ये होस्टेड बाय है जिसको होस्टेड बाय करें ये क्या है, ये आपका डिग्री क्या है। अबे यार वर्ब डिग्री लास्ट को वर्ब तो है सब जानता है, कौन वर्ब है, पढ़ाई जो है ना पढ़ाई जो मेरे पर हो चुका है, सही वर्ड कैंसिल हो चुका है, ये आपका नॉन पढ़ाई कैंसिल, याद रखिएगा ये हमारा नॉन पढ़ाई पड़ेगा। और आप चाहो तो इसको पढ़ाई बना सकते हो, कैसे, द डिनर पार्टी, अभी चलते क्या द डिनर पार्टी व्हिच सही है व्हिच वाज होस्टेड बाय, हो गया व्हिच वाज होस्टेड बाय, तो ऐसा लिख दिया तो हो गया पढ़ाई, भूल गया क्लास यार, यार तुम इतना मेहनत करके पढ़ाया, अरे यार बहुत मेहनत करके मैंने वीडियोस पीछे पढ़ाया सारे, ठीक है फिर भी तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो, मैंने क्यों इतना मेहनत किया था बताओ, मैंने क्यों इतना मेहनत करके पढ़ाया बताइए, आपको फटाफट जवाब दीजिए, इसे मैं क्या भूल लो, भूलने के लिए नहीं पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा, द स्पेक्टेटर्स वर स्पेल बाउंड एट द, ठीक है, द स्पेक्टेटर्स वर स्पेल बाउंड एट द, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, तो ये अगर वर्ड दिया है तो कोई बात नहीं, आपको ये भी पता है कि हमारा वर्ड जो होता है, ठीक है, ये जो हमारा वर्ड है अगर इसके बाद ये दिया है तो ये V3 है, ठीक है, और V3 एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया, क्यों, क्योंकि आपका स्पेल बाउंड एट दिया, ठीक है, बड़ा ध्यान दीजिए, ये याद रखिएगा, वो आपका सही है। अगला लिखा है कि द थ्रिलिंग, एट द थ्रिलिंग साइट, वो सही है, एंड एट द एंड दे कुड नॉट हेल्ड देयर अप्लॉज, सही, अप्लॉज इन एप्रिसिएशन, ठीक है, दे कुड नॉट हेल्ड देयर अप्लॉज इन एप्रिसिएशन। अगला बात समझिए कि हमारा जो मॉडल होता है MODL मॉडल, चाहे आपका कहना है गुड है चाहे जो भी है, कहना हो गुड हो जो भी आपका, ये जितने भी होते हैं, चाहे आपका मे माइट हो चाहे सूड हो, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं, इसके बाद क्या होता है, मॉडल्स के बाद V1, अगर इसके बाद B हो तो V3, या मॉडल्स के बाद हैव और हैव के बाद क्या होगा V3, यही ना यूज करते हैं। अब देखिए कुड नॉट दिया, तो कुड नॉट तो मॉडल हुआ, नॉट तो क्या एडवर्ब है, ये हमारा हेल्ड कहाँ से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है, HOLD होल्ड हेल्ड और हमारा हेल्ड होता है, पता है ना कि आपका इस फॉर्म में यूज किया जाता है, तो ये कैसे हो गया कि मॉडल के बाद आपका आ गया क्या, सही ना V2 आ गया, ऐसा होगा, या V3 आ गया हेल्ड है, तो पता ही नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ये इसको सही करना होगा। अब देखो क्या लिखा, विथ हेल्ड देयर अप्लॉज, ये देखो चाहे होल्ड दे चाहे विथ हेल्ड दे, दोनों तो वही चीज है, क्योंकि विथ होल्ड एक अलग वर्ब है, ये भी मैंने पढ़ाया था, विथ होल्ड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, रोक कर रखना, रोक कर रखना, जैसे किसी का रिजल्ट रोक लिया है, ठीक है, किसी का जैसे द सीजीएल रिजल्ट, सीजीएल 2017 रिजल्ट वाज विथ हेल्ड बाय द कमीशन, ठीक है, तो विथ हेल्ड हुआ, ये भी आपका V2 V3 होता है, तो विथ होल्ड रोकना, रोक कर रखना, जैसे आपका रिजल्ट विथ हेल्ड हो गया, ठीक है, तो ये विथ हेल्ड इस सेंस में, ये आपका गलत है, ठीक है, रोकना, वो भी आपका कूट गया, फिर वही कहानी। अब दिया विथ होल्ड देयर अप्लॉज, तो विथ होल्ड हो सकता है, विथ होल्ड में होता है रोकना, जैसे प्रशंसा करना, लेकिन रोक के रखा, ये चल सकता है, ठीक है, हेल्ड नहीं हो सकता, फिर आपका गलती। अगला दिया होल्ड, ये तो सही है, होल्ड सही है, आपको बताना चाहिए होल्ड जो है पकड़ करना होता है, ठीक है, और इसके बाद गलती यहाँ कर गया, देखो ये आपको मैंने वर्ड पढ़ाया था कि अप्लॉड जो होता है, अप्लॉड, ये अप्लॉड जो होता है ये वर्ब होता है, ठीक है, और इसका नॉन फॉर्म जो होता है अप्लॉज होता है, ये आप दिमाग रख लेंगे अच्छी तरह से, अप्लॉज जो है ये आपका नॉन फॉर्म होता है। अब बताओ कि अगर ये देर दिया है, ये अगर डिटरमाइनर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए कि नाउन होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए कि नाउन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए अप्लॉज, इसलिए ये भी गलत। अब बताइए कि आपके पास ये तो गलत हो ही चुका है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ना मजबूरी का नाम, ठीक है, नंबर है बी फॉर बॉल, मजबूरी का नाम क्या लिखे, नंबर है बी फॉर बॉल, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट है वो सही है नहीं, तो नो करेक्शन कर दे नहीं सकते हैं, तो आपका मजबूरी का नंबर है बी फॉर बॉल, कोई दिक्कत, ये बात समझ आया क्या, याद समझ आ गया ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से दिमाग रखिएगा, अप्लॉड वर्ब होता है, अप्लॉज नाउन होता है, इवन कि LAUD लॉर्ड, ये भी आपका वर्ब होता है, लॉर्ड वर्ब होता है, इसका मतलब प्रशंसा करना होता है, और लॉर्ड का नाउन होता है लॉडेशन, ठीक है, कहीं अगर LAUDATION लिखा हुआ है लॉडेशन, ये नाउन होता है, ठीक है, ये याद रखना होगा, बढ़िया आगे। अगला चलिए देखा गया, द गवर्नर हैज, ठीक है, अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स एडोरिंग द वॉल्स ऑफ द राजभवन, ये देखिए क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से, एडोरिंग द, देख लो अच्छी तरह से, ये जो दिया ना एडोरिंग द वॉल्स ऑफ द राजभवन, ये क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है, और उसके बाद बताना है एडोर और एडोर्न, दो वर्ड है, ऑप्शन बता दें, यहाँ ऑप्शन है, तो आपका ये आपका अंडरलाइन पार्ट क्या है, अंडरलाइन पार्ट हमारा यही है, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है कि अडोरिंग द वॉल्स, ठीक है, ये अडोरिंग द वॉल्स दिया है आपको बताना है, और आप जानते हो ये अडोर, ठीक है, अडोर और एडोर्न दोनों में अंतर क्या, मैंने पढ़ा दिया, ये अडोर का मतलब होता है कि किसी को टू लव, सही है, टू लव टू मच, इस सेंस में यूज करते हैं, बस समझे, ये आपको टू लव टू मच उस सेंस में, बहुत ज्यादा किसी को लगा हो उसके लिए, मैंने पढ़ा दिया था, या एक सेंस हमने बताया था कि टू रिस्पेक्ट का सेंस होता है, समझे, टू रिस्पेक्ट का सेंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये अडोर का मतलब होता है टू डेकोरेट, सही है, तो डेकोरेट के लिए यूज करते हैं, या आपको बताया था इम्बेलिस, याद है, इम्बेलिस बताया कभी, मैंने बताया इम्बेलिस यूज करते हैं, तो आपको देख लो ये सजाना है, ठीक है, सजाना है किसी को, क्या चमकाना है, सुंदर बनाना है, उसके लिए यूज करते हैं, तो अब देखें भाई इसमें एडोरिंग होगा या एडोर्निंग होगा, तो हमको पता है कि दीवार को सुंदर बनाया जाता है, सजाया जाता है, तो सुंदर बनाने के लिए वर्ड होगा, वो क्या लेंगे आप ही बताएं, जवाब दीजिए, इसमें क्या लेंगे आप, तो लिखेंगे आपका पेंटिंग एडोरिंग द वॉल्स, ठीक है, पेंटिंग एडोरिंग द वॉल्स, फिर हमारा क्या होगा एडोरिंग आ गया, गलत है, फिर हमारा क्या एडोरिंग है, फिर गलत है, पेंटिंग्स स्टिकिंग द वॉल्स, फिर गलत है, और पेंटिंग्स एडोर्निंग द वॉल्स आ गया, पेंटिंग्स एडोर्निंग द वॉल्स, तो नंबर हमारा डिफॉल्ट होगा। अबे अंकेश पाल, अरे यार अंकेश पाल सी नंबर कैसे स्टिकिंग द वॉल्स, अरे यार सजाना के लिए बोलना है, तो क्या बोल रहे हो, और आशीष कुमार बोलता है कि एडोरिंग, यही तो गलती, तो रिस्पेक्ट करने के लिए कहां से, यहां एडोर्निंग होगा, एडोर्निंग नहीं दिख रहा है, तो फिर से मैं कहता हूं बताओ, दिख रहा है आप, बताओ क्या आंसर होगा, क्या क्या बोल देता है, भाग जाता है, ठीक है, चलिए ये समझ आ गया आंसर होगा हमारा, क्या नंबर आपका डिफॉल्ट होगा, ध्यान से ना क्वेश्चन, अब मेरा ये है कि ये अगर एडोर्निंग हो गया आंसर, तो मैं अगर इसे नीचे कर दूं, और अब मैं यहाँ ये बोलूं मेरे भाई ये बता दो, ठीक है, ये बता दो कि इस वर्ड के बदले, अगर मैं सही ना इस वर्ड के बदले, ठीक है ये गलत है, और इसके बदले हमने दे दिया एडोर्निंग, ठीक है मैंने दे दिया, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये एडोर्निंग पार्ट ऑफ स्पीच में क्या, ये पीवीएस में क्या है, फटाक से जवाब दीजिए, और आपको ये जवाब देना होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब क्या है, ठीक है, बताइए फटाक से जवाब दीजिए, सब आ गया, कोई नहीं,
आ जाओ, तो क्या आ जाओ, मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ अपना, तुम देख लो, मैं तो मेहनत करके पढ़ाते रहूँगा, तुम लोग देख लो अपना, ठीक है? तुम लोग देखो भैया, मेरा क्या, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो अपना पढ़ा के मजे ले रहा हूँ, तुम लोग देखो सब्जेक्ट बताइए और सब्जेक्ट के साथ क्या बताना बताइए होगा, ऐसे जवाब दो, बताना है कि अगर अकॉर्डिंग हो गया तो इसलिए मैंने वो फोन बनाया था कि आपको बताना है कि क्या होगा। चलो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा गवर्नर ही है, द गवर्नर, ठीक है? सब्जेक्ट में कोई गलती नहीं है मेरे भाई, सब्जेक्ट तो यही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द गवर्नर, ठीक है? सब्जेक्ट द गवर्नर, इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो सही है, ठीक है? लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि इसका मेन वर्ड क्या है, तो आपको हमने बताया कि है इसके बाद या तो V3 चाहिए या V4 चाहिए, सही ना, V+V4 चाहिए एक्टिव फॉर्म में, या बीन के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव फॉर्म में, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कलेक्शन दिया है, और कलेक्शन क्या है, नाउन है, ये गुड एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर है, उसका क्या ऑफेंटिक्स ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन है, ये भी सही है, लेकिन ये कहाँ से आ गया, ये एडॉर्निंग ये कहाँ से होगा, ये कैसे हो गया, ये V4 बीच में घुस गया, ये V4 क्या है बताइए, तो आपको हमने बता दिया था कि ये V4 जो है ये आपका नॉन फाइनाइट है, आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ नजर आए तो वो आपका नॉन फाइनाइट होगा, समझे? ये आपको सब्जेक्ट एडॉर्निंग मेंबर सीधा एक खाप मारेंगे, ये मेंबर कैसे होगा, ये अगर V4 होगा तो इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कैसे हो जाएगा ये मेंबर सीधा एडॉर्निंग, कैसे हो जाएगा एडॉर्निंग, कैसे मेंबर होगा बताओ, ये हमारा नॉन फाइनाइट है, और इसको फाइनाइट बनाना चाहते हो तो कमेंट है गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स व्हिच, यानी तो व्हिच सही है, व्हिच आर एडॉर्निंग, हो गया, व्हिच आर एडॉर्निंग, देखो बन गया, अच्छा चलो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां पे कि अगर इसको फाइनाइट बनाना है तो पेंटिंग्स व्हिच आर एडॉर्निंग द वॉल्स, मेरे भाई मैं ये सारी चीजें सिखा चुका हूं आपको, ठीक है, कांसेप्ट मैंने डेवलप किया बेसिक में, अब भी मेरा देखो, और सब जहां अंत करते हैं ना जितने भी और लोग बनाते हैं, मेरी शुरुआत वहीं से होती है, और मेरा शुरुआत का सेशन ऐसा होगा तो समझ लो कि आपका लेवल कहां तक पहुंचेगा, अभी तकलीफ होगा, इसे बहुत अच्छे लेवल पर आ रहा है, थोड़ा टफ लेवल है, लेकिन आप बाद में इसको बहुत एंजॉय करोगे, सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, ठीक है, ये आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 क्वेश्चन अभी हम लोग कितने क्वेश्चन सीखे, मात्र 10 क्वेश्चन सीखे, सही है? आगे देखिए, अगला दिया तो प्रॉब्लम ली, अब देखो ध्यान से रहिए, अब क्वेश्चन आ रहा है लाई वाला पे, ये देखो आपको हमने सिखाया था, एक वर्ड हमने सिखाया लाई लाई, ठीक है, ये लाई का लाई लाइट, पता करो ये झूठ बोलना, ये है झूठ बोलना, ठीक है, ये मैंने सिखा दिया, अगला मैंने सिखाया था लाई, एक और लाई मीन्स होता है होना, ठीक है, लाई मीन्स होना पढ़ना, ये बताया ना होना पढ़ना, इसका V2 V3 होता है लाई ले, क्या होगा लेन, तीसरा बना होता है LAY ले, ले लेट लेट ले लेट लेट, ये ले का मतलब क्या होता है, हमने बताया था क्या, लगाना थोपना, लगाना या थोपना, ले मीन्स अंडा देना, इस सेंस में, अब तो तीनों का मैंने सेंस, ठीक है, तीनों का सेंस हमने डेवलप कराया था, और आज क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉब्लम ले दैट, ये दैट जो है यहां कंजंक्शन है, ठीक है, और कंजंक्शन का हिंदी होता है हर्षिकार वाला की, और आपको मैंने बताया कि दो क्लॉज को जोड़ने वाले को हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है, दो क्लॉज को जोड़ने वाले कंजंक्शन, दैट इज ये सब्जेक्ट होगा और ये आपका ये मेन वर्ब होगा, ठीक है, और ये कंजंक्शन उसका ये सब्जेक्ट है, और ये वाज जो है ये आज के डेट में क्या लिखा है, मेन वर्ब है, देख लीजिए, वाज सो अनयूज्ड, ठीक है, अनयूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल, ये सो जो है ये आज के डेट में एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ब हो गया अनयूज्ड टू, ठीक है, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, अब देखो भाई ये जो ले है अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये अगर पास्ट दिया वाज है तो V2 है, हमने एक फंडा सिखाया था कि सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो पास्ट मेंटेन, अगर पास्ट में हो तो पास्ट मेंटेन, तो समस्या होना या स्थित होना वो सही है, द प्रॉब्लम लाइज इन, सही ना, प्रॉब्लम कहां है, इसमें स्थित है, वो अपने आप में सही है, क्योंकि लाई, ठीक है, होना के लिए लाई ले ले, तो ये V2 है, ये V2 है, ले गया V2 है, अगर प्रॉब्लम के साथ ले अगर यूज करता कौन वाला, ये वाला, तो प्रॉब्लम के साथ क्या होना चाहिए, ले होना चाहिए, प्रॉब्लम सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एलवाई होना चाहिए था, नहीं है, वाज लाइंग इन दैट गलत, लाइड इन गलत है, लाइड इन होगा नहीं, प्रॉब्लम ले इन द फैक्ट दैट, दैट क्या लिखा है, दैट ये दैट है, दैट ही वाज सो अनयूज्ड, लेकिन प्रॉब्लम लिखा है ले इन द फैक्ट, ये स्टेटमेंट एक सही स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, क्यों उसका वजह बताएंगे, अगला आपको दिया है, प्रॉब्लम इज लाइंग इन द फैक्ट दैट ही वाज, देखिए वाज है और साथ में इज है, इसको काट देंगे, नंबर डी, नंबर डी कट जाएगा, सब आगे क्या, नंबर डी कट जाएगा, अब आपको बताना है कि कौन सही होगा, आपको जवाब देना, नहीं भागे हो तो आपको बताना है फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13, फटाफट जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आंसर जो बेस्ट आंसर है नंबर सी, द प्रॉब्लम लाइज, या भी इनका क्या लगेगा, कोई भी समस्या नहीं, इसी तरह से, द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट, द प्रॉब्लम अगर ऐसे बोलते ना नॉर्मल होता है, ऐसे लिखते, द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट, अगर ऐसा होता तो बेहतर होता, ठीक है, लेकिन यहां पे पास्ट दिया है तो वाज को करने के लिए यहां पे कर दिया गया, द प्रॉब्लम ले इन द फैक्ट, समझे, इन द फैक्ट दैट, तो नंबर आपका सी, कोई दिक्कत, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और आप लोग से गुजारिश है कि जो आपको PDF दिया गया है वो आपका होमोफोन्स का, मैंने पहले भी पढ़ाया कंफ्यूजिंग पेयर्स, आप तक मैं जितने भी कंफ्यूजिंग पेयर्स उनको अपनी पढ़े, हिंदी में ऑलरेडी दिया हुआ है, मीनिंग आप उसको घर पे भी जाकर बोला हिंदू खोज डिक्शनरी, एक डिक्शनरी आप डाउनलोड कर लें, हिंदू खोज, ठीक है, हिंदू खोज हमने बोला था, डिक्शनरी डाउनलोड कर लो और आप उसको देखो, या कोई डिक्शनरी हो, देखो अपने से वर्ड्स लिखो, ठीक है, और अभी भागना नहीं है अविनाश, ठीक है, भागना नहीं है, आप लोगों को करना क्या है, 8:30 में हम लोग मिलते हैं, 8:30 में YouTube पे जरूर आना, कम से कम 10 मिनट का सेशन जरूर देखना, 10-20 मिनट, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है, असल लाइक के बाद इन होता है, यस सर, अभी नाइक लाइन द फैक्ट, तो भागना नहीं है, आते हैं लोग 8:30 में, सही है, और आप लोग जरूर आइए, और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि आज अपने सबको, सही ना, MD सुल्तान बनाना है, जरूर आना है।